चंदा माँ, 4 दिन तक आपको इसी मंदिर में रहना है और 4 दिन के बाद जब अमृत कलश का अमृत गंगा में घुल जाएगा तो हमारा देश बच जाएगा। तब तक मेरे बेटे की जान सलामत रहेगी ना? चंदा माँ, आपकी बेटी को कोई ऐसी मिले जो उसे बहुत प्यार करती है, जो उसकी ढाल है। आप अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कौन है वो? माँ, मेरा बेटा कैसा है? आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है और हमेशा अच्छा ही रहेगा। मैं आपके बेटे पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। याददाश्त चली गई थी और पैदा होते मेरा बेटा भी मेरे हाथ से चला गया। सीमा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। पर माँ, आपका बेटा बहुत जल्द आपके पास होगा और आपका बेटा आपको गले से लगा लेगा। ये आपकी बहू का आपसे वादा है। सच्ची? हाँ। शिव जी ने तुझे से बहू देके मुझे वरदान दिया। दीदी, इससे पहले कि सब मुझे ढूंढ ले, मुझे घर जाना होगा। हमें चंदा माँ की हिफाजत भी तो करनी है। अगर नीवलिन ने या किसी और ने उन पर हमला कर दिया तो? नहीं कर सकेगा। चल। सबकी रक्षा करना शिव जी, सबकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। ये शेष नागिन ने बनाई नागरेखा है, इसे कोई बुरी शक्ति पार नहीं कर सकती। इसमें शक्ति है ओमकार की। अब वही हमें बचाएगी हर वार से, हर प्रहार से। पर हां, अगर चंदा माँ इस नागरेखा को पार करके बाहर जाए तो खतरा हो सकता है। चंदा माँ को मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं उनका ध्यान रखूंगी। रैनक्ष तो वैसे भी यहां नहीं आ सकता है क्योंकि वो तो बाबा की कैद में है। आ रहा हूं।
रेनक्स कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ रेनक्स, रेनक्स। रेनक्स कहाँ है रेनक्स? मनु, तो तूने मुझे ही बचा लिया। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठ जाओ। तुम सब इस घर के बच्चे हो ना, बट आई एम सॉरी टू से सबके सब निठल्ले हो। बड़ी माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों रे, क्यों? तुझे दिखाई नहीं देता तेरी ये जो भाभी है ना प्रथा, वो इस घर में क्या क्या खेल खेल रही है। और तू रितेश, तू तो मेरा अपना बेटा है ना, जब देखो रोमांस करता रहता है रीम के साथ। अब ये बंद कर, कुछ दिखाई नहीं देता ना तुम लोगों को, क्योंकि तुम सब यूजलेस हो, इडियट्स हो। दिखाई नहीं देता या देखना नहीं चाहते कि तुम्हारी भाभी प्रथा धीरे धीरे करके तुम्हारे भाई ऋषभ पर अपना हक जता रही है, अपने इशारों पर उसे नचा रही है। और तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ बैठकर ड्रिंक्स, सेलिब्रेशन, पार्टी, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मैं एक माँ हूं, नहीं देख सकती ये सब कुछ। तुम लोगों को पता है ना कि ऋषभ इस घर का, इस बिजनेस का इकलौता वारिस है। कुछ नहीं देगा वो तुम लोगों को, कुछ भी नहीं, क्योंकि हर वक्त वो प्रथा के साथ लगा रहता है। मैं इनकी पत्नी हूं, ये पति है मेरे, हमारी शादी हुई थी। सॉरी, ऋषभ जी आप ठीक तो है? नहीं प्रथा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं। आई एम जस्ट फेड अप। ये डैड, पहले पता चलता है कि एक देशद्रोही है, उसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है, ऊपर से ये चंदा आंटी। तुमने नीचे देखा ना सब क्या हुआ, क्या कह रही थी वो डैड के बारे में।